нас катаран. सर आपका नाम? मैं एडवोकेट यासर फार्मर बार प्रेजेंट सुरनकोट। तो मेरे साथ एडवोकेट माजिद खान साहब, ये भी हमारे बार के जनरल सेक्रेटरी थे, फार्मर बार जनरल सेक्रेटरी थे हमारे। तो हमारे मेरे साथ हैं एडवोकेट मुमताज़ हुसैन शाह साहब। तो आज जो ये जो हम आज इकट्ठे हुए हैं, हमारा मकसद यही है कि जो पहाड़ी इनकम स्लैब जो लगाया गया है, उस आर्डर में एडमिट किया गवर्नमेंट ने कि पहाड़ी जो हैं एक क्लेन है, एक इनकी अपनी एक ट्राइब है। तो इनकम जो स्लैब का मतलब ही नहीं बनता है, ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे साथ सरासर जो रूरल जो इस पर रूलिंग गवर्नमेंट है, उन्होंने जो वादा किया था, ये उन्होंने उसी के खिलाफ अर्जी की और हमसे झूठ बोला है। और हम ये कहेंगे कि अगर हमारे साथ वाकई जस्टिस डिलीवर करना है, हमारी तो डिमांड जो रही है वो पहाड़ीज़ को एसटी की रही है। अलबत्ता ये जो थोड़ा सा आपने जो 4% रिजर्वेशन दी थी, ये आपने हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की है। हमें आपने ट्राइब खुद आपने अपने ऑर्डर में तस्लीम किया, क्लेम तस्लीम किया। हमें जो है इसमें आप जो है जो इनकम जो स्लैब जो है इस ऑर्डर को रिवोक किया जाए और हमें भी दूसरी जो पैरामीटर एससी और एसटी कम्युनिटी पर पैरामीटर पर लाया जाए, तभी हमारे साथ ये इंसाफ होगा। और मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे जो पहाड़ी लीडर्स आज तक जो खिताबी पंजाल या वैली के जो कुछ इलाके हैं वहां से जो आवाज उठाते थे, वो आज कहां हैं? वो क्यों नहीं आवाज उठा रहे? अब मैं आपके एक दूसरा जो हमारा इशू है वो ये है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में अभी पिछले दिनों में 2-3 दिन लेफ्टिनेंट गोरन साहब आए थे। तो लेफ्टिनेंट गोरन साहब आए तो उसका कुछ आउटपुट भी तो होना चाहिए। आप मुझे बताएं, हमारे डीसी साहब पूंछ में बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या किया कि एक डेपुटेशन वही मिले जो उनकी तारीफों के पुल बांधते। हालांकि उनकी इसका यह मतलब नहीं था कि जो सुरनकोट से जाएगा उनकी मुखालफत करेगा। हमारे बेरोजगार नौजवान थे, इनका डेपुटेशन बुलाना चाहिए था, लेफ्टिनेंट गोरन साहब को बुलाना चाहिए था सुरनकोट से, मेंढर से, पूंछ से, सुरनकोट पूंछ मेंढर की बार एसोसिएशन को बुलाना चाहिए था, यहाँ के जो सीनियर सिटीजन हैं, सिविल सोसाइटीज हैं, उनको बुलाना चाहिए था कि ग्रोन पर कितनी डेवलपमेंट हुई है और क्या डेवलपमेंट यहाँ के लोग चाहते हैं। लेकिन वो तो सब आई वाश हुआ, लेफ्टिनेंट गोरन साहब आए, वही चंद लोग मिले और वो वहां से चले गए। उसका हमें डीसी साहब ये बताएं कि उसका आखिर आउटपुट क्या निकला है। उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में ये जो कोरोना के केसेस जो आ रहे हैं, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है और इसके लिए फंड्स आ रहे हैं। आपने देखे हमारे क्वारंटाइन सेंटर की हालत क्या है, हमें बताएं, जो पीएम रिलीफ फंड्स में लोगों ने इतना पैसा दिया है, तो डीसी साहब क्या उनकी इतनी ग्रांट में एक वेंटिलेटर ही लगा सकते हैं 3-4 लाख का? हमारे सुरनकोट में कम से कम एक वेंटिलेटर तो दें वो। और उसके बाद जो ये मास्क स्कीम तकसीम किए गए हैं हर पंचायत में, अब मुझे नहीं मालूम है कि इसमें ग्रांट 30,000 थी, 40,000 थी, उसकी भी तो ऑडिट होना चाहिए। तो हमारी यही डिमांड है कि यहाँ पर जो हमारे डेवलपमेंट के मसाइल्स हैं, जो हमारे डीसी साहब हैं, बल्कि उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, लोगों के जो मसाइल्स हैं उनको हल करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर हमारे लोग काफ़ी अरसे से सफ़र हो रहे हैं और उन्होंने ये बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी की कि लेफ्टिनेंट गोरन साहब आए, यहाँ पर किसी को नहीं बताया और वो आके भी चले गए। तो ये सरासर ज़्यादती है। अगर आप वाकई इंसाफ करना चाहते हो, अगर आपके वाकई अगर हमदर्द हो यहाँ के लोगों के, डिस्ट्रिक्ट पूंछ के लोगों के हमदर्द हो, तो हमें एक वेंटिलेटर क्यों नहीं देते? एक एक वेंटिलेटर तो दे सकते हो आप अपनी ग्रांट से, अभी तक आपने हमें एक एक वेंटिलेटर नहीं दिया। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? इस दौर में तो जो है हर फैसिलिटीज मिल रही है। तो हमारे पर बराए जो है कर्म किया जाए और हमारे जो नौजवान है, खास पर बेरोजगार नौजवान है, उनकी बात सुनी जाए। मेरा नाम एडवोकेट माजिद खान है, मैं फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी और प्रेजेंट सीनियर वाइस प्रेजिडेंट हूँ बार एसोसिएशन सुरनकोट का। सर, यहाँ पे फार्मर प्रेजिडेंट यासर खान साहब ने भी इनकम बार के मामले को उठाया है और इस सिलसिले में कहीं ना कहीं पढ़े लिखे तालीम याफ्ता जो पहाड़ी तबका से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान हैं, वो भी कहीं मायूस नज़र आ रहे हैं। इस सिलसिले में क्या कहेंगे आप? देखिए, तो ये 4% रिजर्वेशन पहाड़ी कम्युनिटी को मिली है। जिस दिन ये मिली थी तो लोग उस दिन खुशियाँ मना रहे थे, तो मैंने उसी दिन जो है गवर्नमेंट के इस डिसीजन को पार्टली वेलकम करते हुए पार्टली क्रिटिसाइज भी किया था। क्योंकि ये जो 4% रिजर्वेशन जो दी गई है, ये कोटा कहाँ से आया है? एक्चुअली जो लोग अदर देन एसटी और एससी थे और अदर देन एएलसी वगैरह थे, तो उन लोगों के वो लोग जो रूरल एरियाज़ में बैकवर्ड एरियाज़ में रहते थे, जिनको आरबीए कैटेगरी जो जिसे हम कहते हैं वो मिली हुई थी, उसका कोटा स्टेट के अंदर 20% था। उस 20% को काट करके 10% लाया गया और 10% जो काटा गया उसमें से 4% हमें दिया गया। एक मुहावरा है, हमारा सर हमारा ही उसरा, यानी हमारे 20% कोटे को काट के हमें उसी में से 4% का लॉलीपॉप दिया गया, और जिसकी जो है सेंटर के अंदर जो है कोई रिकॉग्निशन नहीं है, कोई भी इसकी जो है वो मतलब हम कहेंगे कि रिलैक्सेशन नहीं है, कोई कंसेशन नहीं है हमारी पहाड़ी कैटेगरी को लेकर देखा जाए।
तो जो 4% हुआ, पहले गवर्नमेंट ने इसको एक पहाड़ी ट्राइब, इतनी ग्रुप, क्लैन, इस तरह की जो है वर्ड्स इस्तेमाल करके डिफाइन किया उस नोटिफिकेशन के अंदर, और जिससे ये साफ था कि पहाड़ी जो है इरिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम हर बंदे को पहाड़ी सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। और गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसरान के ट्वीट और फेसबुक पे पोस्ट भी आए कि हाँ ऐसा ही है, लेकिन बाद में मैं नहीं समझता कुछ अपोजिशन हुई या क्या हुआ जिसकी वजह से गवर्नमेंट को ये एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ी कि 8 लाख जो है इनकम स्लैब रखी गई है जिसके ऊपर जो है वो लोगों को नहीं दिया जाएगा। ये सरासर ज्यादती है, जैसे हमारे यास साहब ने कहा ये डिस्क्रिमिनेशन है, और हम इस डिस्क्रिमिनेशन, इस ज्यादती की जो है कड़े लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं, और गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि सिर्फ इस इनकम स्लैब को हटाया जाए, बल्कि ये 4% का जो आपने मजाक किया है पहाड़ी कम्युनिटी के साथ, जो जिसको स्टेट की 3rd largest कम्युनिटी है और जो सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली हर तरह से देखा जाए बैकवर्ड भी है, और एक माइनर, एक हमारा इथनिक ग्रुप है कि लिंग्विस्टिक और कल्चरल माइनॉरिटी भी कह सकते हैं इसको, इसके साथ जो भेदभाव है इसको दूर किया जाए और ये 4% से 10% की जो है वो तक इसको रिजर्वेशन दी जाए। और हमारी सबसे बड़ी मांग है कि हमें ST में परसेंटेज जो हमारी बढ़ाकर हमें ST में डाला जाए, फर्स्टली। और सेकेंडली मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि जितने भी हमारे लीडर्स हजरात हैं जो अपने आप को पहाड़ी के चैंपियंस, पहाड़ी के क्रूसेडर, पहाड़ी के जो है बड़े बड़े नाम देकर अपने आप को इलेक्शन के दौरान रैलियों में जो है अपने आप को पुकारते थे और लोगों से नारे लगवाते थे, वो कहाँ हैं आज? वो सोए हुए हैं। और ऑन द अदर हैंड जी, मेरा नाम एडवोकेट मुमताज सेंशा। सर, कोरोना वायरस को लेकर सुन कोर्ट में कहीं हजूम नज़र आता है, कहीं जो है एहतियाती तदाबीर की दर्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, कहीं SOP की दर्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, सिलसिले में क्या कहेंगे? मैं जो ये इंतज़ामिया की बेहिसी है इस पे एक तशवीश का इजहार करूंगा और बहुत अफसोस करूंगा कि यहाँ पे पिछले 20-25 दिन से एक लंबी लंबी जो कतारें लगाई जा रही हैं, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने का जो ये रद्द अमल है, इसमें इन्होंने लंबी कतारें लगा के जो ये ट्रेजरी की रिसिप्ट यहाँ पे काट रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। और यहाँ मैं एक चीज़ यहाँ ये कहना चाहूँगा, DC साहब ने पिछले दिनों में एक हुक्मनामा जारी किया जिसमें नए SOPs और नया उन्होंने कहा कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग और इसको इस तरीके से जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के एक्ट के अकॉर्डिंगली ये फॉलो किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो लंबी कतारें हैं, ना किसी ने मास्क पहना हुआ है और बिल्कुल बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ है। और यहाँ पे अगर एक भी सपोज कोरोना का कोई पेशेंट जो है या आ जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो ये सुरनकोट की आवाम, मैं तो ये समझता हूँ कि इनको ये भेड़ बकरियाँ समझा जाता है। यहाँ पे मेरी इंतज़ामिया से जो है एक दरख्वास्त है कि यहाँ पे स्पेशल ऑफिसर डिप्यूट किए जाएँ जो यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन करके तो रखा जाए, तो उसके बाद जो है ये ट्रेजरी रिसिप्ट उस हिसाब से काटी जाए। अगर वो भी नहीं है तो यहाँ पे ट्रेजरी काटने के और भी तो बहुत सारे मेथड हैं, ऑनलाइन काटी जा सकती है और भी दूसरी तदाबीर जो है वो अमल में लाई जा सकती हैं। तो यहाँ पे इसका खुलम खुला जो है वो इसकी वायलेशन जो है वो की जा रही है। जो है इंतज़ामिया को इस चीज़ के बारे में जो है अपना ध्यान जो है ज़रूरी से देना होगा। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर यानी ज़िला मजिस्ट्रेट की जानब से हर रोज़ नए नए आर्डर लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए, SOP को फॉलो करने के लिए आते हैं, लेकिन उन पर ज़मीनी सतह पर देखा जाए तो उनको का कोई भी अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आएगा। इस सिलसिले में क्या कहेंगे कि ये इंतज़ामिया इंप्लीमेंट कराने में नाकाम है या इंप्लीमेंट करने वाली इन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ नाकाम है? नहीं, यहाँ पे तो पिछले दिनों से आप आके भी देख सकते हैं, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं ये कहूँगा कि यहाँ आके अगर देखा जाए इस वक्त भी बाहर लंबी कतारें लगी हुई हैं और ना ही किसी ने कोई मास्क पहना हुआ है और कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। ये तो एक मैं कह रहा हूँ कि खुलम खुला इस पूरे इस इन्वायरमेंट को, इस वातावरण को डाइल्यूट करने की कोई साजिश है इसके पीछे, क्योंकि यहाँ पे तो कोई किसी चीज़ की कोई इन्फोर्समेंट है ही नहीं है। यहाँ पे स्पेशल ऑफिसर जो है डिप्यूट करके तो उस तरीके से कुछ जो है ट्रेजरी का अगर इन्होंने करना। और मैं एक चीज़ यहाँ पे कहूँ कि कोई आज से 20 दिन पहले हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा था कि जितने भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स हैं वो ऑनलाइन मिलेंगे। यहाँ पे तो ये फिर ट्रेजरी का बीच में ये लंबी कतारें कहाँ से आ गई? अगर ऑनलाइन है तो फिर ये लाइनें किस बात की हैं?